अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू हो चुका है। हम एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का दिल की उम्मीद गहरे से स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं, 190 रन उनको मैच जीतने के लिए बनाने होंगे सिटी जिमखाना को। और ये लीजिए, उनकी ओर से सलामी झुड़ी अब मैदान के अंदर। जी हाँ, शबीर लेफ्टी मैदान के अंदर आ चुके हैं और उनके साथ साथ एक और खिलाड़ी भी, आबिद नबी के भाई, वो भी मैदान के अंदर आए हैं। 190 रन उनको जीतने के लिए मिले हैं। और मेरा मानना है कि ये जो मैदान है, अगर आप थोड़ा समय लेंगे शुरुआत में तो यहाँ छक्के चौके उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि बल्लेबाज किस तरह से सोचते हैं। ये लवली उम्र की मानसिकता है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण यही है कि बल्लेबाज किस तरह से सोचते हैं। और मेरे साथ सहयोगी कमेंटेटर इनायत भाई इस समय जुड़ चुके हैं। और जैसा आप मैदान के अंदर गतिविधियां आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं, इनायत भाई एक बार फिर से अंतराल के बाद का हम आगाज करने जा रहे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। लवली भाई, 190 रन का जो टारगेट लक्ष्य दिया है उसी की पीछा करने के लिए उतरी है यहाँ पे सिटी जिमखाना की टीम। दोनों सलामी बल्लेबाज, परामी बल्लेबाज क्रीज पे आ चुके हैं। ये दिलचस्प बात रहेगी गोली में डालेगा, हालांकि लक्ष्य इतना आसान नहीं मिला है, एक विशाल चुनौती भरा पूर्ण लक्ष्य मिला है। और अगर सिटी जिमखाना को ये मैच जीतना है तो उनको चाहिए जो सलामी बल्लेबाज एक अच्छी शुरुआत दे अपने टीम को, तब जाके वो इतना विशाल लक्ष्य चेस कर सकते हैं। हम आपको कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गनी मेमोरियल स्टेडियम राजौरी कदल से। और बिल्कुल सही कहा आपने, हम इस समय गनी मेमोरियल स्टेडियम राजा कदल से हम आप तक ये लाइव प्रसारण ला रहे हैं। और ये लीजिए, सिटी जिमखाना की सलामी जोड़ी अब मैदान के अंदर आई है और प्रयास उनका यही रहेगा कि एक शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, जिसको हम अपनी भाषा में एक ठोस शुरुआत कहते हैं, वही यहाँ देने की ज़रूरत है। तो गेंदबाजी की कमान आसिफ रसूल को दी गई है जो उनके कप्तान है। आज बल्ले से हालांकि उतना बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन अब गेंदबाजी से वो छाप जरूर छोड़ना चाहते हैं। आसिफ रसूल के हाथों में नई गेंदबाजी की कमान, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने जरूर देख रहे होंगे, और उनके सामने है आबिद नबी के भाई। जी हाँ, सोपोर कप में उनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। काफ़ी बार ये बड़े स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत उनके पास है। हम हमेशा ये पारंपरिक रूप में बड़े स्ट्रोक्स अमूमन खेलते हैं। आसिफ रसूल एक लोता स्लिप के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये चले दूसरी इनिंग की पहली गेंद, ओवर द विकेट आसिफ रसूल। और इस बार पहली गेंद पे उन्होंने खाता खोला है। हालांकि बल्ला तेज चलाया था इस बल्लेबाज ने, लेकिन केवल एक रन मिलेगा। और इसी के साथ इस पारी का भी खाता खोला उन्होंने। 190 रनों का लक्ष्य मिला है सिटी जिमखाना को। आकिब मीर आपके स्क्रीन के सामने, वो मैदान के अंदर खासा बढ़िया तरीके से नजर आ रहे हैं। शबीर लेफ्टी अब स्ट्राइक पे है, काफी खतरनाक बल्लेबाज। और आज तो उनका ये प्रयास रहेगा कि एक अच्छी पारी खेले अपनी टीम के लिए। उनके साथ साथ आतिफ नबी, आबिद नबी के भाई, और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंग्रेजी कमेंटेटर इनायत भाई। थैंक यू लवली भाई। Max delivery offside the off stump. Luckily this time the ball didn't get the outside edge of the bat. Shabir Lefty survives. He has to know the behavior of the track. We all know about Shabir Lefty. He has a wide range of shots.
But the thing is, he has to occupy the crease. He has to stick till end. Towards the third man fan is the ball raced away to the fans. Four runs. Streaky four comes off the blade of Shabir Lakhti. Bowler smiled. He knows how streaky it was. The ball taking the inner edge of the bat. Wicketkeeper beating the diving effort of the wicketkeeper. Raced away to the third man fans for four runs. Shabir Lakhti ke balle se ye pehla chauka nikalta hua. Halanki is bar wo sampark utna badhiya nahi laga tha jiske liye ye jane jaate. Is bar back foot par jakar deep skir leg ki aur se gend ko moda. Khiladi wahan maujood lekin rokne mein asafal. Gend boundary ke bahar. Char runs ke liye. This is what the level of Shabir Lakhti demands. Short delivery latches onto it and smacked it over the deep mid wicket fans for four runs. So with the help of these four runs, Shabir Lakhti moves to eight of facing three balls. He hit two fours, one was streaky, and this was timed beautifully. The valley in comes right arm or the stick ball. That's a good delivery offside. The offside opening the face of the bat, guided to do what is it, the backward point area. Will take the advantage of a single. So with the help of this single, now score moves to 9 for no loss. The two opener is from the Kashmir City Gymkhanas and Shabir Lakhti and Atif Nabi. These two are trying to provide some momentum to the innings of City Gymkhana. They know they have to chase the target of 190, a mountain-like target. In comes balls, short on the leg stump has been drifted away down towards the square leg area. There is the protection. And meanwhile, batsmen have time to cross over for an easy single. So end of the over number 1, it's 10 without loss. पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन शबीर लेफ्टी के बल्ले से दो चौके निकलते हुए और जिस तरह के खिलाड़ी हैं आत्मविश्वास बड़ा है इस खिलाड़ी में लेकिन कहते हैं ना कि बड़े मच पे पंच मारने की जरूरत The two best batsmen out in the middle is Shabir Lakhti and Atif Nabi. Shabir Lakhti is not out on 9, he hit 2 fours. Facing just four balls at the strike rate of 225. Let me remind our listeners earlier, City Gymkhana have won the toss and they have decided to chase the target. Kashmir Vavs will give the target 190. And now the City Gymkhana chasing the target of 190 runs. A little bit of fielding change there. If we talk about the offside field placement, lone slip is in place, there is backward point, there is cover, and there is mid-on and mid-off, both inside the 30-yard circle. As per the rules and regulations of the T20 format, two fielders can field outside the 30-yard circle during the power plays. Atif Rasool bowled one over, conceded 11 runs. At the economy of 11, now it will be the Mozamil Ahmed. He will start the proceedings, will bowl the fresh over of a new. Aur Satpal Singh Simin, Maruti Suzuki manager, wo bhi is match ka anand le raha hai is baar leg stump ke aas paas. Aur shandar catch liya is baar deep square leg ke bilkul seema rekhi ke nazdeek Atif Nabi ka. Isi ke saath samapt hota hua ye pari. और शानदार कैच लिया गया डीप स्क्वायर लेग की ओर से शॉर्ट बॉल वर्कड फॉर द इट ओवर द हेड ऑफ स्क्वायर लेग देयर वाज द प्रोटेक्शन इन द डीप मेक्स नो मिस्टेक विकेट नंबर 1 गॉन एंड सिटी जिमखाना इज इन बिग ट्रबल हियर आ बहुत बढ़िया कैच उन्होंने लिया है कहते हैं ना कि ये विकेट फील्डर की होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के कैचेस लपकना उतना आसान नहीं है क्योंकि कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल कहते हैं ना कि करनी और कहनी में जमीन आसमान का अंतर है अल्ताफ अहमद भट्ट सोपोर के क्रिकेट माइंड उनको कहा जाता है कोई भी ऐसा मैच नहीं होगा नॉर्थ कश्मीर में जहां अल्ताफ अहमद भट्ट मौजूद नहीं आया होगा हम अल्ताफ भाई आपका भी सम्मान करते हैं स्वागत करते हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे वी वेलकम आवर वैल्युएबल कमेंट्स on our Kashmir Sports Watch. We are giving you the live coverage from the Guni Memorial Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar.
सल्फी एजाज भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, मीर प्रोविजनल स्टोर अपने स्टोर के साथ वो हमेशा हमारे साथ नजर आते हैं, अपना योगदान वो बहुत बढ़िया ढंग से देते हैं ये मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह का प्यार वो हमें देते हैं ये देख के अच्छा लगा। लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पे आतिफ नबी की जो पारी है वो समाप्त हुए हैं। नए बल्लेबाज अब आबिद नबी आए हैं, एक बाई गया तो दूसरा बाई फ्रॉम द सिटी जिमखाना एंड he will face the first delivery. Muzammil Ahmed, he took the important wicket in a very first over of his spell. In comes right arm over the stick, balls to Akib Nabi, bat and pad close together, played it defensively, the ball rolled towards the point area and there is no run. If we talk about the Abid Nabi, experienced campaigner, technically sound player, famous throughout the valley, he's got the ability to chase down the target, and he's the skipper of this T. Gymkhana's, and he needs to occupy the crease till and if they have to win this encounter here from the Gani Memorial Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar, while the last game of this Creek Connect Super League is in progress. In comes right arm over the stick, balls, that's another good together and defensively played away, and there is no addition to the total. Abid Nabi is yet to open his account. Shibi Lefty is on not out on 9 of facing 4 balls. He was lucky, get the inner edge in the first over. This time a bad delivery, string down the leg side. One more extra run will be added to the City Gymkhana's total. City Gymkhana goes up to 12 for the loss of one wicket. We are in the middle of the second over. और पिछला विकेट जो गिरा था उसके लिहाज से थोड़ा बहुत अब दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगभग पूरे 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से मैच जीतने के लिए रन बनाने होंगे। इस बार बहुत बढ़िया गेंद बैक फुट पर जाकर स्टीयर अंदाज में गेंद को खेलने का प्रयास किया था। थर्ड मैन की ओर गली क्षेत्र के अंदर पूरन मान के साथ गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। ये पारी का दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। Both the batsmen are looking very good now, Abid Nabi and Shabi Lefty. Abid Nabi has yet to open his account. Short passing delivery offside the off stump. Luckily this time the ball didn't get the outside edge of the bat. Wicketkeeper safely collects behind the stump. Short passing delivery, wants to defend the ball, missing it completely. City Gymkhana looking in tremendous amount of pressure here. They know they have chase the target of 12 for the loss of one wicket. In comes ball, that's a good delivery coming on middle and off stump. Bat and pad close together, defensively played away, so end of the over number second, it is 12 for the loss of one wicket. दो ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 12 रन एक विकेट के नुकसान पर, ये अच्छा ओवर साबित हुआ। अगर आप कश्मीर वीवस की बात करें तो खासे खुश नजर आ रहे होंगे, क्योंकि दूसरे ही ओवर में और वो भी आतिफ नबी का विकेट, और कहीं ना कहीं खासे खुश होंगे। आसिफ रसूल, परवेज रसूल के भाई इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि ये इस टीम के कप्तान भी हैं। आज बल्ले से उतना बढ़िया छाप वो नहीं छोड़ते, लेकिन गेंदबाजी से ये बढ़िया कमाल कर सकते हैं। और दो विकेट शिविर लेफ्टी के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया था डीप पॉइंट पे, हालांकि एक खिलाड़ी मौजूद है, एक रन बनाने का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन एक विकेट के नुकसान पर, यह पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। शबी लेफ्टी, ही गॉट द एबिलिटी टू चेस डाउन द बिग टारगेट्स, दैट्स व्हाट he needs to stick the one end till end if they have to win this encounter, if they have to win this Creek Connect Super League here from the Gani Memorial Cricket Stadium.
Abid Nabi, he's yet to open his account, faced 5 balls. And the another man, it should be lefty, he's not out on 10 or facing 5 balls. In comes right arm. Balls to Abid Nabi, that's another good delivery, bat and pad close together, have been defensively played away for no run. Pressure rises on the street Gymkhana. And good piece of bowling from the Asif Rasool. He bowled 1.2 overs, conceded 12 runs. This ball, that's another good delivery. Midline off stump has been tucked away towards the onside, and batsmen have time to cross over for an easy single. So with the help of the single, he's off the mark. It's Abid Nabi. He moves to one after facing the 7 balls. And now it will be the Shabir Lefty who will face the Asif Rasool. He has conceded 13 runs so far. Lone slip is in play. That's a good delivery offside. The off stump opens the face of the bat, guided it towards the backward point area. And there is no addition to the total of 14. Still 14 for the loss of 1 wickets. We all know that they are chasing the target of 190. And they are losing their top order wicket. Now both the batsmen, Shabir Lefty and Abid Nabi, are trying to provide some momentum, some platform to the other batsman. Lovely bhai. Shabir Lefty, ये जरूरी है कि वो अंतर खेले, क्योंकि उनके पास ये काबिलियत है बड़े स्ट्रोक्स खेलने की. अगर आप T20 आंकड़े उनके देखी गिरा तो 140 से अधिक स्ट्राइक रेट रहती है. इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था, हालांकि वहां उन्होंने खिलाड़ी मौजूद रखा है डीप पॉइंट पे. केवल एक रन बनाने का मौका था. इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन एक विकेट के नुकसान पर. आसिफ रसूल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं. अब तक का खासा अच्छा गेंदबाजी के तौर पे उन्होंने की है. लगभग 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो इस समय दे रहे हैं अपने गेंदबाजी में. इस ओवर में आखिरी मरतबा और 2 विकेट, कप्तान बनाम कप्तान. जी हाँ, इस बार बढ़िया गेंद थी, झट के अंदर डाली गई थी गेंद. अंतिम क्षणों में प्रयास किया आबिद नबी ने खेलते हुए. डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 for the loss of 1 wicket. The 2 batsmen out in the middle is Abid Nabi and Shabir Lefty. City Gymkhana 15 for the loss of 1 wicket. Let me remind our listeners, earlier City Gymkhana won the toss and they have decided to chase the target, and the City Kashmir Waves gave a target of 190 to the City Gymkhana, and in the chase they lost the wicket in early part of the evenings. If we talk about the highlights of the Kashmir Waves, Mohsin played a handy knock. He was like a lone lighthouse in a gloomy and a murky night. और अगर आप फील्डिंग की बात करें शबीर लेफ्टी के लिए, किस तरह से उन्होंने फील्ड सजाई है, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है. एक लोता स्लिप भी उनके लिए तैनात की गई है. लेकिन ये जो गेंदबाज है ना, अब तक उन्होंने पूरे अनुमान के साथ गेंदबाजी की है. लाइन और लेंथ पर अगर आप देखें तो खास बड़े स्ट्रोक्स खेलने की इस बार उन्होंने वो मौका ही नहीं दिया इन दो बल्लेबाजों के सामने. He has not allowed the batsman to freeze his arms. They are trying to create the pressure on the Shabir Lefty. In comes right arm, over the stick, balls to Shabir Lefty. Driven magnificently, the ball raced away to the fans. 4 runs. Shabir Lefty is looking in a decent touch here. और सबसे बढ़िया बात इस स्ट्रोक में यही थी कि ज्यादा जल्दबाजी उन्होंने नहीं की, टाइमिंग पे भरोसा रखा था. कौन ड्रोयू बहुत बढ़िया ये खेलते हैं, और ये जब स्ट्रोक्स खेलते हैं ये और भी खूबसूरत नजर आ रहे हैं. आई ऑलरेडी मेंशनड दैट इट्स शबीर लेफ्टी इज लुकिंग इन अ डिसेंट टच हियर. ही मूव्स टू 11. दैट्स अनदर गुड डिलीवरी ऑफसाइड. द ऑफ स्टंप ओपनिंग द फेस ऑफ द बैट, वांट्स टू टेक अ सिंगल, बट द स्किपर, he sends him back in the meantime. So still score remains on 19 for the loss of 1 wicket. This is over number 4 in progress. So the situation is 3.2 overs have been sent down, and City Gymkhana have lost the one top order wicket in the farm up. Junaid Mushtaq, another good delivery, dancing down the track. There was a chance of a run out, but Shabir Lefty was well inside his crease. So with the help
for the single now takes the total up to 20 for the loss of one wicket. This is over number 4 in progress. Beautiful force, and one was the beautiful, magnificent cover drive. Attacking offside field placement. In comes right arm ball. Sweet sound of the bat. And we have to wait and watch the umpire signal. The ball crossed all the way aerially. That's a huge six. Comes off the blade of Abid Nabi. Now he is looking dangerous too. ये जो stroke था, जो उन्होंने दर्शक दीर्घाहु में गेंद को फेंका है, जो हमारे official sponsors हैं, NITNS के Career Institute, उनके board पर ये गेंद जाके टकराई थी. लेकिन क्या आतिशी stroke था, और ड्राइव किया था गेंद को और जान बूझ के हवा में. दस दायरे के अंदर थे इस बार. लेग स्टंप के आसपास गेंद थी. हल्के हाथों से गेंद को खेला था. बॉलर के फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया. रन बनाने का कोई मौका नहीं. डॉग गेंद के साथ ओवर की समाप्ति. चार ओवर की समाप्ति. आउट होने वाले खिलाड़ी आतिफ नबी जो आउट होकर वापस जा चुके हैं. कश्मीर वेव्स मेड 189 रन्स इन द अलॉटेड 20 ओवर्स एंड गेव अ ह्यूज टारगेट ऑफ 190 रन्स टू द सिटी जिमखाना. एंड सिटी जिमखाना वाइल चेसिंग आ 26 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट. फोर ओवर्स हैव बीन सेंट डाउन सो फार. Muzamil Ahmed bowled 2 overs, conceded 14 runs. And Muzamil Ahmed, beg your pardon, it's Asif Rasool, he bowled 2 and conceded 14 runs. And Muzamil Ahmed, he bowled 2 overs, conceded 12 runs and took the one important wicket. In comes balls to Shabir Lapti, wide offside the off stump. Luckily the ball didn't get the outside edge of the bat. Wants to defend the ball. There was no contact between bat and ball. After pitching the ball, moving further away from the left hand batsman. He has to bat sensibly till the end. He has to know the behavior in comes balls. Wrapped him over the pad. Voice appeal, rather optimistic appeal from the wicketkeeper. But umpire signaling that the ball was missing the leg stump. Or Shabir Lapti ke thigh dard mein nazar aa rahe hai. Chot hai. चोट लगी है उनको और आशा करेंगे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, फिट हो. आबिद नबी उनके कप्तान अब उनके पास जा रहे हैं. लेकिन मैदान के एग्जैक्टली लवली बाय देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पेन इन द थाई ऑफ द शबीर लेफ्टी. Final, we are giving you live coverage on Kashmir Sports Watch. You all know that this is the last game, final of this Cricket Connect Super League here at the Gani Memorial Stadium, Rajouri. Kashmir Waves. Let me remind our listeners earlier, Sri Gymkhana have won the toss and they have decided to put Kashmir Waves into the bat first. They have made 189 in the allotted 20 hours and now Sri Gymkhana are chasing the target up 190 and they have made 26 and they have lost the one important top order wicket. The two batsmen out in the middle are Shabir Lefty and Abid Nabi. Shabir Lefty is not out on 16 after facing 13 balls and the non-striker end it's Abid Nabi. He is not out on 7 after facing 10 balls and he hit one beautiful 6 over mid on. So here lefty ab fir se taiyari kar rahe hain khelne ke liye. Prayas kiya tha lekin you
This is over number 5 in progress. Scorecard is showing 27 for the loss of 1 wicket. 4.3 overs have been sent down. In comes Boz. Good line delivery has been stuck it away very hard, but straight to the man at mid on. And there is no addition to the total. Still score remains on 27 for the loss of 1 wicket. Down the leg side had been flicked away by the wrist. The ball going towards the square leg area. There is the protection in the deep. Meanwhile, batsmen have time to goes up to 28 for the loss of 1 wicket. With the help of the single, Abid Nabi moves to 8 and Shabir Lefty, he will take the strike. He's not out on 17 of facing 4. Asif Rasool is third over. Ball to Shabir Lefty. Oh, that's a good delivery coming in to the left-hander. Defensively played away. So end off with the over number 5. Scorecard is showing 28 for 1. पांच ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन एक विकेट के नुकसान पर, और कहना पड़ेगा कि अब तक बिल्कुल बांध के रखा है कश्मीर व्यूवर्स की अगर आप बात करें तो पूरी तरह से अब तक छाए हुए हैं। 15 ओवर्स में अभी भी 162 रनों की ज़रूरत है, दरकार है इस मैच को जीतने के लिए, और देखना पड़ेगा कि कब तक वो इस तरह से लड़ते नज़र आएंगे। तक 12 गेंदों में 8 रन बनाने का योगदान दिया है और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। सो हियर इज द बॉलिंग चेंज। वी हैड सीन अ फर्स्ट बॉलिंग चेंज फ्रॉम द कश्मीर वेव्स एंड our scorer will ask us the name of the new bowler. Right arm medium pacer, and it will be the Abid Nabi who will face the first delivery of the new bowler. Scorecard is showing 28 for the loss of 1 wicket. If we talk about the offside field placement, 2 slips and there is a gully, there is a backward point, there is an extra cover, and the two men are fielding outside the 30-yard circle. Is long, one is at the long one and one is at the deep square leg. In comes right arm over the sticky ball. Opening delivery wants to hit the ball, couldn't time it well. Flown in the air, made open, makes no mistake. Sends back the danger man. Abid Nabi is not happy with his short selection, walking back slowly. Short ball worked for the Kashmir Waves, wants to hit it, wants to clear the infield. The ball taking the upper edge of the bat, flown in the air, and mid-on man makes no mistake. So the Abid Nabi is walking back slowly, contributed just to 8 runs after facing 12 balls. Lovely bhai. Aur Atashi Bazi ab aap apne screen ke दूसरा दचका लगता हुआ, और इस बार बड़ी मछली जाल में। जी हां, उनके कप्तान आबिद नबी जो हैं वो अब निराश कदमों के साथ वापस जा चुके हैं डगआउट। पारी खेलने थे लेकिन इस बार वो खेलने में असफल रहे हैं। और उन्होंने जो बदलाव किया था गेंदबाजी में, और उन्होंने पूरी तरह पारी का छठवां ओवर है। अब तक 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पावर प्ले का ये अंतिम ओवर नजर आ रहा है, और प्रयास तो वो ये कर रहे हैं कि एक अच्छी पारी खेले। NITNS कैरियर इंस्टीट्यूट जो एक जाना पहचाना नाम है वादिया कश्मीर का, तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप उसकी ओर वहाँ ज़रूर जाएं।
अगर आप छात्र हैं पढ़ाई के तो हमारा स्क्रीन के सामने भी नजर आ रहे होंगे जो हमारे आज के इस मैच के ऑफिशियल स्पॉन्सर भी हैं। के लिए शानदार स्ट्रोक था ये इस बार उनके बल्ले से, और जब आप है ना तो फिर दिक्कत इस बार उनके बल्ले से पहला आतिश स्ट्रोक ये निकलता हुआ रहे हैं। इस बार फिर से ओवर पिच गेंद को निकालना चाह रहे थे शॉर्ट कवर की ओर से, लेकिन कवर के अंदर वहां खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। उन्होंने गेंद को पूरा अनुमान के साथ गेंद को रोका था, किसी रन बनाने का मौका वहां नहीं आ रहा है। अब तक ये मालूम नहीं है क्या नेट सुविधाएं यहाँ समाप्त हुई है या नहीं। इस बार लेग स्टंप के आसपास कलायु के उपयोग से है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से कि आप तक हम अच्छी कवरेज प्रयास लाने का हम जरूर कर रहे हैं। ये पारी का साथ हम अपनी ओर से प्रयास जरूर करेंगे आपके साथ अच्छे, और इस बार बढ़िया गेंद, ये शानदार गेंद, लाजवाब। और जब आपके पास इतनी अच्छी काबिलियत है ना तो इसी टप्पे पे गेंदबाजी करने की जरूरत हमेशा रहनी चाहिए। ये करना छह ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पावर प्ले भी अब समाप्त दरकार है उनको मैच जीतने के लिए, उतना आसान नहीं होने जा रहा है उनके लिए, क्योंकि अगर उनको ये मैच जीतना है तो किसी बल्लेबाज को एक अच्छी पारी यहां से खेलनी पड़ेगी। गुरु तारेक मार्च मिराज कहां पे है, वानी रूफ सलाम लावली भाई, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, जहाँ पे हम मौजूद हैं। हमें सूचना यही मिली है कि यहाँ नेट सुविधाएं कभी कभार बंद भी होती है 3 बजे के आसपास, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, प्रयास तो हम जरूर कर रहे हैं अपनी ओर से शबीर लैप्टी अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है। जब तक शबीर लैप्टी मैदान के अंदर मौजूद है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आदिल अहमद जिन्होंने पिछला ओवर बहुत बढ़िया डाला था, एक बार फिर वो गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। एक स्लिप वहां तैनात की जा रही है,
स्लिप कॉर्नर में उनके कप्तान आसिफ रसूल नजर आ रहे हैं। शबीर लेफ्टी अब सामना करेंगे, इस बार बैकफुट पर जाकर बढ़िया स्ट्रोक खेला था, हालांकि गैप ढूंढने में इस बार ये असफल हुए हैं। गेंदबाजी में बदलाव किया गया है, नवीद को लाए गए हैं अब कप्तान आसिफ परे। आसिफ है आसानी के साथ एक रन पूरा किया है, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नवीद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने पारी का, अपने कोटे का ये पहला ओवर कर रहे हैं, पारी का सातवां ओवर। इस बार ओवर पिच गेंद, गेंद को खिलाड़ी मौजूद है, एक रन बनाने का मौका है दोनों खिलाड़ियों के पास। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली बार फिर से नवीद ओवर द विकेट आ रहे हैं शबीर लेफ्टी के लिए। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से प्लेस किया था गेंद को, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन बनाने का मौका था। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नवीद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट कर रहे हैं, ज्यादा हिलने का लिए दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम शर्र में इस बार नकारा वहां बल्लेबाज ने, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ये पारी का सातवां ओवर है, अब तक कुल मिलाकर 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नवीद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने कोटे का पहला ओवर। इस बार बैकफुट पर जाकर गैप में धकेलने का प्रयास किया था डीप पॉइंट का खिलाड़ी, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ। और ये लीजिए रनआउट की वहां अपील हो रही है, लेकिन शबीर लेफ्टी आसानी के साथ मैदान में अंदर जाके पहुंच चुके थे। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इसी के साथ ओवर की भी समाप्त हुई है। आकिब मीर इस समय मैदान के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे, अपने खिलाड़ियों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, विकेट कीपर्स के साथ वो खास तौर से इस समय बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि एक मौका था उनके पास रन आउट करने का। अगर सही समय पे उन्होंने ग्लोव्स में गेंद ली होती ना तो काम तमाम हुआ था यहाँ शबीर लेफ्टी का। तेरह ओवर्स में अभी भी 150 रनों की जरूरत है, लगभग 150 रन उनको और बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए, जो किसी भी लिहाज से आसान नहीं रहेगा उनके लिए। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, आकिब मीर को अब वो लेके आए हैं जो और दो विकेट गेंदबाजी करेंगे। दोनों जो खिलाड़ी हैं बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। इस बार खराब गेंद, फायदा नहीं उठा पाए इस बार बल्लेबाज, लेकिन लेग बाई के रूप में एक रन वह जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का आठवां ओवर इस समय चल रहा है, गेंदबाजी में बदलाव भी उन्होंने किया है। इस बार रन दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन ऐन मौके पे उन्होंने नकारा और एक ही रन व किसी भी रन का वहां बनाने का कोई मौका नहीं है। स्कोर ठहरा हुआ 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था ये, लेकिन वहां पे खिलाड़ी उन्होंने तैनात किया है, केवल एक रन बनाने का मौका है। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का आठवां ओवर इस समय चल रहा है, आकिब मीर इस समय गेंद
आकिब मीर अपने कोटे का पहला ओवर इस समय कर रहे हैं। हालांकि आज बल्ले से उन्होंने उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है जिस श्रेणी के ये खिलाड़ी हैं, जिस उच्च कोटि के ये खिलाड़ी हैं, उस तरह का प्रदर्शन आज बल्ले से उन्होंने नहीं दिखाया है। लेकिन गेंदबाजी की कमान वो इस समय संभाल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है। शबीर लेफ्टी इस समय उनका सामना कर रहे हैं। शबीर बाईस रन बनाकर वो नाबाद है, इस पारी को वो इस समय आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बड़े स्ट्रोक उस खेल ले होंगे क्योंकि की हुई है और इस बार बढ़िया स्ट्रोक गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घा में डीप स्केरले की ओर से, और क्या शानदार स्ट्रोक है शबीर लेफ्टी के बल्ले से। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर की अंतिम गेंद पे एक शानदार छक्का जड़ा शबीर लेफ्टी ने। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 2 विकेटों के नुकसान आठ रन है जो स्लिप कॉर्नर में वो खुद इस समय फील्ड कर रहे हैं। गली क्षेत्र के अंदर आकिब मीर को अब रखा जा रहा है। नवीद गेंदबाजी करेंगे, शबीर लेफ्टी नोट्स की गेंद पे इस समय मौजूद है और इस बार बढ़िया गेंद हल्की सी नीचे रहती हुई गेंद विकेटों से खासा करीबी मामला था ये, लेकिन बाल बाल बचे क्योंकि इस तरह की गेंदें हमेशा विकेटों पे भी जाके लगती है, लेकिन इस बार बिल्कुल वैसा हुआ नहीं। अगली बार फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, अंदरूनी सिरा लगा था, विकेट कीपर जाकर गेंद की ओर दौड़ रहे हैं। आसिफ रसूल ने अंत में गेंद को उठाया था, केवल एक रन बनाने नुकसान पर सिटी जिमखाना की टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है। इस बार खराब गेंद, लेकिन गैप ढूंढने में इस बार वो कामयाब नहीं हुए शबीर लेफ्टी। डीप फाइनल पे उन्होंने एक खिलाड़ी को तैनात किया था, जब तक वो गेंद को फील्ड कर पाते पूरा अनुमान के साथ इस बार उन्होंने गेंद को उठाया था। केवल एक रन बनाने का मौका था, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ रमजान इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं दूसरे छोर से, लेकिन अब तक एक अच्छी साझेदारी वो जरूर बना रहे हैं। हुई है तो प्रयास तो ये करेंगे कि रन रेट जो है वो बराबर रहे, ये तो वो इस समय प्रयास करेंगे। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक शबीर लेफ्टी के बल्ले से गैप में खेला गया, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर पाते बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दो रन अर्जित किए हैं। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौवन रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का नौवां ओवर इस समय चल रहा है। अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी रही है नवीद की ओर से, अब तक 11 रन उन्होंने दिए हैं। और ये लीजिए, इस बार उन्होंने घाइड करने का प्रयास किया था, लेकिन आकिब मीर वहाँ मुस्त मौजूद थे। चतुराई बड़ा स्ट्रोक था ये, लेकिन गैप अगर आप ढूंढते नहीं है ना तो फिर हमेशा दिक्कतें आपके लिए नजर आएगी। चौवन रन 2 विकेट
विकेटों के नुकसान पर सिटी जिमखाना की टीम अभी भी 136 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए, और अब केवल 67 गेंदों का खेल बचा है, यानी कि 11 ओवर्स का खेल और बचा है। आकिब मीर अब गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से आए हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थे, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाह रहे थे, डीप स्क्वायर लेग की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है। एक रन बनाने का मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आकिब मीर अगली बार, इस बार ओवर पिच गेंद थे, हालांकि इस बार सम्मान दिया वहां शबीर लेफ्टी ने। शबीर लेफ्टी 26 गेंदों में 31 रन बनाकर वो नाबाद है। इस समय वो मैदान के अंदर लड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक शबीर लेफ्टी मौजूद है कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बार कट किया था डीप पॉइंट की ओर से, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। एक रन बनाने का मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आकिब मीर अगली बार फिर से, और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, और भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों से खासा नजदीक से गई थी, लेकिन केवल एक रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 10वां ओवर इस समय आकिब मीर डाल रहे हैं, कमेंट्री छोर से वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। शबीर लेफ्टी अब तक बहुत बढ़िया प्रदर्शन वो कर रहे हैं, रनआउट होने की संभावना है। अगर थोड़ा और जल्दबाजी वहां दिखाते ना तो काम तमाम हुआ था यहां बल्लेबाज का। अदल भाई लिख रहे हैं कि वीडियो अच्छा नहीं चल रहा है। अदल भाई, हम अपनी ओर से प्रयास जरूर कर रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ, हम आप तक ये लाइव कवरेज ला रहे हैं गरीब मेमोरियल स्टेडियम से। ये दिक्कतें हमें ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको समाप्त करने का। ये दो विकेटों के नुकसान पर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। आधी पारी अब समाप्त हुई है सिटी जिमखाना की। 59 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, तो अभी भी 131 रनों का अभी और उनको दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। 60 गेंदों में 131 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। शबीर लेफ्टी और आसिफ रमजान इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। जब तक वो मैदान के अंदर मौजूद है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है इस मैच को लेके। आप बने रहे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के साथ, और शेयर करके आप हमें अपना योगदान जरूर दीजिए। मंजूर शेख इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं जुड़ने के लिए। मंजूर भाई, हम आपके बहुत आभारी हैं, जिस तरह से आप हमें हमेशा बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। कुलजीत रखवाल भी इस समय हमारे साथ इस लाइव प्रसारण में आ चुके हैं, लेकिन आधी पारी अब समाप्त हुए है। जैसा मैंने कहा है कि 131 रनों की और दरकार है उनको इस मैच को जीतने के लिए। नवीद इस समय गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मार्क पे आ चुके हैं। प्रयास तो यही करेंगे शबीर लेफ्टी की अंतिम शरणों तक खेले जाए, क्योंकि जब तक वो खिलाड़ी मैदान के अंदर मौजूद है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि उनके पास कुछ अद्भुत काबिलियत है शबीर लेफ्टी में। आसिफ रमजान, अब तक उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया है, 12 रन बनाकर वो नाबाद है, जिसमें एक चौका मौजूद है। 85 की ऊपर से और गेंद को पूछा दर्शक दीर्घाओं में, और ये शबीर लेफ्टी के बल्ले से दूसरा छक्का निकलता हुआ। क्षमा चाहूंगा, शबीर लेफ्टी तो ये नहीं है, लेकिन आसिफ रमजान के बल्ले से ये आतशी स्ट्रोक निकलता हुआ।
खूबसूरत, जितनी सराहना करें उतनी कम है। और ये लीजिए आतिशबाजियां भी अब मैदान के अंदर नजर आ रही है। और क्यों नहीं, वो जानते हैं कि ये एक बड़ा मुकाबला इस समय चल रहा है। 125 रनों की और दरकार है उनको इस मैच को जीतने के लिए। अगली बार नवीद फिर से इस बार बैकफुट पर जाकर, इस बार गैप में खेला गया स्ट्रोक, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका तौसीफ आसिफ रमजान के बल्ले से। अब ऐसा लग रहा है कि आसिफ रमजान बिल्कुल खुल के स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और ये सही सोच रहा उनके लिहाज से भी, क्योंकि वो जानते हैं कि अब यहाँ से बड़े स्ट्रोक्स उनको खेलने पड़ेंगे। आकिब मीर थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं, गली क्षेत्र के अंदर वो इस समय फील्ड कर रहे हैं। इस बार फिर से और इस बार शानदार कैच, और ये लीजिए आसिफ रमजान की विकेट अब मिलती हुई। निराश कदमों के साथ उनको अब वापस जाना होगा। एक बार फिर से स्लॉग स्वीप के जरिए वो गेंद को निकालना चाह रहे थे डीप मिडविकेट की ओर, लेकिन वहां सीमा रेखा के नजदीक खिलाड़ी तैनात। लिया है शानदार कैच लिया, लेकिन कैच लेने के बाद जो मैदान के अंदर चित्र नजर आ रहे हैं ना, ये संकेत अच्छे नहीं है। जी हाँ, कैच लेने के बाद खिलाड़ी बिल्कुल जमीन के बल गिरते नजर आ रहे हैं। आसिफ रमजान 17 गेंदों में 22 रन बनाकर वो अब डगआउट की ओर जा चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैदान के अंदर जो चित्र नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। आशा करेंगे कि वो स्वस्थ हो, वो फिट हो, क्योंकि जब से क्रिकेट जगत में वो फिलिप ह्यूजेस का वो किस्सा हुआ था, तब से इस तरह के चित्र हमेशा अच्छे नहीं लगते हैं मैदान के अंदर। हम दुआएं करेंगे कि खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो, ऐसी हम दुआएँ उनके लिए ज़रूर करें हैं। उठा के देखे खास तौर से सिटी जिम खेला का, मोहम्मद दाऊद हमारे साथ नजर आ रहे हैं, इरफान मजीद वन ऑफ माय फेवरेट कमेंटेटर लवली उमर, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। मोहम्मद दाऊद भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, हमारी आवाज़ की वो खासा सराहना करते हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मोहम्मद दाऊद के साथ साथ वो अन्य और भी नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी अब मैदान के अंदर एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। आकिब मीर सपोर्ट्समैन स्प्रिट वहाँ दर्शाते हुए खिलाड़ियों के साथ वो इस समय बातचीत कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिलती है जब मैदान के अंदर ये पारी का गहरा ओवर है, कुल मिलाकर 69 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सिटी जिमखाना की टीम। आज सुबह उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, गेंदबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया था, लेकिन अब तक वो फैसला उनके लिए खासा साबित नहीं हुआ है। जुबैर इस्माइल, लव फ्रॉम पुलवामा, लव यू टू जुबैर भाई। अगली बार फिर से और दो विकेट, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को धकेला डीप मिडविकेट की ओर से, वहां चतुर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। केवल एक रन बनाने का मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 120 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। मोहम्मद दाऊद लिख रहे हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, दाऊद भाई हम आपको निश्चित तौर पे देंगे, आप इस पेज पे मैसेज करके वो आपको ज़रूर मेरा नंबर प्रोवाइड कराएंगे। अगली बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद थी, गति परिवर्तन किया था, गेंद थोड़ा सा धीरा फेंका था,
इस बार हाथ से। ये पारी का गहरवा ओवर है। कुल मिलाकर 170 विकेटों के नुकसान पर अब तक का ये लेखा जोखा है सिटी जिम खेला का। अगली बार नवीद एक बार फिर से, इस बार फ्लाइटेड गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और देखना पड़ेगा शबीर लेफ्टी इस बार आउट हो पाएंगे या नहीं। जी नहीं, और एक और जीवतदार यहां मिलता हुआ बल्लेबाज शबीर लेफ्टी को। हालांकि ये कैच लेने चाहिए इस स्तर पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वाणी रूप आपने बिल्कुल सही कहा है कि मुझे आज तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है मेरे जो आज दुविधा है। हालांकि मैं तैयार ही नहीं था, लेकिन हमारे जो सहयोगी कमेंटेटर है उसमें भी घर में थोड़ी सी दुविधा चल रही है, उस कारण से वो भी मैदान के अंदर नहीं आ पाए और उस कारण से मुझे मजबूरी में आज इस मैच में आना पड़ा। लेकिन आतिशबाजी आप बिल्कुल अपने स्क्रीन के सामने जरूर देख सकते होंगे। आकिब मीर अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए तैयार है और पारी का 12वां ओवर ये करने जा रहे हैं। ओवर द विकेट वो गेंदबाजी करेंगे आकिब मीर हल्के रन अप के साथ। इस बार बढ़िया गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला था, लेकिन गैप ढूंढने में इस बार असफल हुए थे। गेंद गई शॉर्ट कवर की ओर, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का कोई भी संभावना वहाँ मौजूद नहीं है। आकिब मीर गेंदबाजी करें, इस बार नीचे रहती हुई गेंद, करीबी मामला होता नदीम इस समय अब आए हैं नए बल्लेबाज। और मेरे साथ मेरे सहयोगी जो अंग्रेजी कमेंटेटर है, मेरे साथ एक बार फिर से वो जुड़ने जा रहे हैं। स्वागत है फिर से। Thank you. Lovely bye. City Gymkhana are chasing the target of 190. They have made 72 for the loss of 3 wickets. The two men out in the middle is Nadeem Dar and he's not out on 36 or facing 32 balls. This time short, wide offside, the offside driven gloriously, but there is the protection in the deep. Meanwhile, batsmen have time to cross over for an easy single. So with the help of the single, total goes up to 73 for the loss of 3 wickets. This is over number 12 in progress. If we talk about the highlights of the today's final, as far as the City Gymkhana's inning is concerned, so far they have made 72 and the top scorer is Shabir Lefty. He is not out on 36. In comes right arm balls, short, wide offside. The off stump has been played away to the deep mid wicket area. There is the fielder. Meanwhile, another single will be added to the City Gymkhana's total. City Gymkhana goes up to 74 for the loss of 3 wicket. And we all know that they are chasing the target of 190 or 73 for the loss of 3 wickets. No slip is in place. There is backward point. There is gully and there is extra cover. In comes balls. The ball kissed the bat of the non-striker. Shabir Lefty's hand. And going towards the long on area, we have to wait and watch the umpire signal. Meanwhile, both the batsmen have ample time to cross over for an easy single. So with the help of the single, now total goes up to 74 for the loss of 3 wickets. Nadeem Dar, he moves to 2 and Shabir Lefty he will face. He's not out on 37. Asking rate clumping us. Now the current run rate is 6.17. Beautiful cricketing atmosphere, lot of spectators are watching or witnessing this final. Shot wide offside, the off stump driven gloriously, but there is the protection in the deep. Batsman wants to take a second and will complete easily. So with the help of this couple, now total goes up to 75 for the loss of 3 wickets. The over number 12 has been completed. Shabir Lefty has to do something extraordinary. That's what his level demands at this stage of the game, because asking rate is clumping.
बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से उनको एक जीवन दान भी मिला है। कहते हैं ना कि महान खिलाड़ी वही है जो गलतियां करके सीखे, और देखना पड़ेगा कि शब्बीर लेफ्टी इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। हालांकि अभी भी उनको मैच जीतने के लिए 113 रनों की दरकार है, 8 ओवर बचे हैं इस पारी के। जैसा हमने शुरुआत में कहा था, सुबह कहा था कि ये महामुकाबला मुकाबलों का मुकाबला होने जा रहा है, और इसलिए ये दोनों खिलाड़ी नदीम और शब्बीर लेफ्टी हार मानने के लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। I can see that Shabir Lefty is like a lighthouse in a gloomy and a murky night. He's trying to provide some momentum. He's trying to guide the team to home. But long way go, still they are 77 for the loss of 3 wickets. This will be the first delivery of the 13th over. It will be the Naveed Kadu. He has bowled 3 overs, conceded 24 runs and took the one important wicket at the economy of 8.0. Nadeem Dar will face the Naveed Kadu. Oh, lone slip is in place for this right-hander. In comes Naveed Kadu. Right arm over the stick, ball, that's a good delivery offside the off stump. Luckily the ball didn't get the inside edge of the bat. Batsman survives, he has to bat sensibly. He has to take the another time, balls to this young man. Hits hard, we have to wait and watch. Will it be a caught? Yes it is. Wants to clear the long on but couldn't time it well, flown in there. Fielder makes no mistake. Nadeem Dar is not happy with his short selection. He is walking back slowly and Kashmir City Gymkhana is in big trouble here. बिल्कुल सही कहा आपने कि नदीम जो है इसके पास वो काबिलियत थी बड़े स्ट्रोक्स खेलने। इस बार उन्होंने गलती ये कि मैदान का जो सबसे दूर छक्का था वही और मारने का प्रयास किया था। बिल्कुल लॉन्ग ऑन के बिल्कुल सी मारे के नज़दीक कैच आउट कराया गया, और कुल मिलाकर एक बड़ा झटका। नदीम अब आउट होकर वापस जा चुके हैं। कुल मिलाकर सिटी जिमखाना 77 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ये सिटी जिमखाना नीड्स अ मिरेकल टू विन दिस एनकाउंटर here from the Ghani Memorial Cricket Stadium, because there is a big trouble here. They lost the 4 top order wickets, but the only man that is Shabbir Lefty is still on the crease. If he will occupy the crease till end, then the in the stands are watching this final. A lot of spectators are watching this final here from the Ghani Memorial Stadium, Rajouri Cuddles, Srinagar. Final of the Cricket Connected Super League is in progress. Let me remind you, City Gymkhana earlier won the toss and they have decided to chase the target. Kashmir Waves made 189 in the allotted 20 overs, and City Gymkhana are 77 for the loss of 4 wickets. This is over number 13 in progress. A slight fielding change. 4 men are fielding outside the 30-yard circle. In comes right arm ball. That's a good delivery. Goes on back foot. Driven nicely. But there is the protection in the deep backward point area. Meanwhile, Shabbir Lefty will get the benefit of a solitary run. So with the help of this run, total goes up to 78 for the loss of 4 wickets. Lovely. They have needs to do something extraordinary here, because asking rate is climbing. Shabbir Lefty is playing at an strike rate of 114. I think one among has to take a charge of the bowlers in order to guide their team to home. Aur bilkul sahi kaha aapne, isi lihaz se to Nazir Tiger ko unhone upar bheja hai. Unko ek hi kasam, wo ballebazi karna jante hain aur wo hai taawtod ballebazi. और ये लीजिए, इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, गेंद गई लॉन्ग ऑन की ओर, सीमा रेखा की वहां खिलाड़ी मौजूद है, केवल एक रन बनाने का मौका है। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मुश्ताक कश्मीरी हमारे साथ लगातार बने हैं और हमारे अंग्रेजी कॉमेंटेटर का वो नाम भी सुनना चाह रहे हैं। अगली बार ओवर द विकेट लेफ्टी के लिए, और इस बार बढ़िया स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए
शबीर लेफ्टी के बल्ले से यह चौका निकलता हुआ, शानदार स्ट्रोक। नाउ शबीर लेफ्टी इज लुकिंग वेरी डेंजरस हियर। If Kashmir Waves have to win this match, they have to get rid of the Shabir Lefty here. He is looking very dangerous. He moves to 40 or facing 35 balls, and City Gymkhana moves to 83 for the loss of 4 wickets. This is over number 13 in progress. Last time in this over, dancing down the track, driven magnificently. The ball raced away to the fans. 4 runs. So end of the over number 13. Scorecard is showing 87 for the loss of 4 wickets. बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार दो गेंदों में दो चौके और क्या बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा है। अब केवल लगभग उनको दो रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को। खूबसूरत वो पारी खेल रही है, हालांकि ऊपरी क्रम के खिलाड़ियों ने किसी ने उनका सहयोग नहीं किया है, किसी ने उनका योगदान नहीं किया, लेकिन एक बढ़िया बल्लेबाज के तौर पर वो उभर के आ रहे हैं। एक जिस तरह से उनके शॉट सिलेक्शन रहे वो काफ़ी कमाल के रहे। खराब गेंदों का उन्होंने चयन किया है और सही गेंदों का उन्होंने सम्मान दिया है। आकिब मीर अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे, इस पारी का ये 14वां ओवर करेंगे। शबीर लेफ्टी ही इज नॉट आउट ऑन 48 और फेसिंग 37 बॉल्स। You all know that City Gymkhana are chasing the target of 190 hours, 87 for the loss of 4 wickets. In comes right arm, balls, takes the aerial route. We have to wait and watch the umpire signal. That's a huge six. He swacked it out of the ground. Down here, Akib made his first ball of the last over. He latches onto it and the ball crossed all the way aerially. That's a huge six. Nazir Tiger, he's looking dangerous. He moves to 7 now, facing just 2 balls. He's got the ability to hit huge and long sixes. That's what the Kashmir Gymkhana, beg your pardon, City Gymkhana's team needs here. Both the batsmen have to do something extraordinary. In comes right arm ball. That's a good delivery after pitching, coming in defensively, played away, the ball rolled back along the track and there is no run. Still score remains on 93 for the loss of 4 wickets. You all know that City Gymkhana are chasing the target of 190, this time driven gloriously, but there is the production in the deep. Meanwhile, both the batsmen have time to cross over for an easy couple. So with the help of this couple, score moves to 97 for the loss of 4 wickets. This is over number 14 in progress. Akib Mir is bowling his last over of his quota. Before this ball, 3.3, conceded 25 runs at economy of 7.5, and Naveen 34 runs and took the 2 important wickets. Now Nazir Tiger, he's removed his helmet. In comes balls, dancing down the track, the ball wrapped him over his pad. There, now umpire signal that one more leg by extra run will be added to the Kashmir, beg your pardon, City Gymkhana's total. City Gymkhana goes up to 96 for the loss of 4 wickets. This is over number 14 in progress. Shabir Lefty, he is just 2 runs away. Well, with the well-deserved half century here. He's playing a lone batter here. He's playing an inning. Inning of his life. Will he guide the team to home? In comes right arm, round the stick, balls to Shabir Lefty, dancing down the track. Will it be a caught? Yes, it is. Magnificently caught by his own bowling follow through. Wants to hit over the head of the bowler, couldn't time it well. The ball kissed the upper edge of the bat and bowler makes no mistake, sends back the danger man. Shabir Lefty is walking slowly back to the pavilion. He was trying to do something extraordinary, wants to play away from his body, could not time it well, and Shabir Lefty is moving, is walking slowly towards the dugout. Everyone here applauds, a couple of round applauds for him, because he played a beautiful sensible note, but unfortunately could not help City Gymkhana to win this encounter here from Guinea Memorial Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar.
Let me remind our listeners, earlier Steve Gymkhana have won the toss and they have decided to chase the target, and Kashmir Waves gave a target of 190. In the chase, Steve Gymkhana lost their 5 wickets and scorecard is showing only 96 runs. So if we talk about the Naveed Kadu, he has bowled sensibly. He bowled 4 overs, conceded only 34 runs and took the 2 important wickets. Now Akib Mir is bowling consistently on the right areas, took the important wicket of a Shabir lefty. That was the key in the run chase and he's gone. He's walking back. Now I think they are on the back foot. City Gymkhana are on back foot. They are in a tremendous amount of pressure here. In comes last time, Akib Mir, balls to left side, wrapped him over the pad, what's the appeal for LBW, given out LBW, wicket number 6 gone, City Gymkhana is in big, big trouble here, coming on. Of the batsman, what's the appeal for LBW? Umpire raised his finger and giving him out. He's walking, he's not happy with the umpire's decision. Now he is walking back slowly. Steve Gymkhana 96 for the loss of 5 wickets. A lot of spectators are watching this match here at the Gani Memorial Stadium. West Gymkhana 96 for the loss of 6 wickets. Akib Mir has completed his quota. Ball 4 was conceded 25, took 2 important wickets at the economy of 6.3. And the another big trump card is Naveed Kadu. He bowled 4 was conceded 34 runs and took the 2 important wickets. Lovely bhai, I think now it's impossible to win this match here at this juncture. हम तो ये कहेंगे कि मुश्किल हैं, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल हम क्रिकेट के लिहाज से नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है. कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आंकड़े स्टार्ट से ही दर्शाते हैं कि सिटी जिमखाना के लिए अब बहुत मुश्किल होने जा रही है. हम तो एक कमेंटेटर के तौर पर यही कहेंगे, लेकिन क्या लाजवाब ओवर घटा है आकिब मीर का. हालांकि जैसा मैंने कहा है कि बल्ले से आज उन्होंने छाप नहीं छोड़ी है, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने कमाल ही किया है. इसी को कहते हैं ना हैंडी क्रिकेटर, जब आपके पास रहते हैं ना तो फील्डिंग से गेंदबाजी से वो अपना योगदान आपको हमेशा देते हैं, जैसे आकिब मीर ने इस बार दिया था. Yeah, cricket is the game of glorious uncertainty. Anything can happen at any stage of the game, especially in the T20 format. One over can change the whole momentum of the game. Flown in the air, 3 fielders converging. Will it be a caught? No! He drops the catch. An easy catch has been dropped by the player. Wants to hit the ball taking the upper edge of the bat. Flown in the air. City Gymkhana are 97 for the loss of 6 wickets. This was the first delivery of the 15th over. Wants to hit the ball, taking the upper edge of the bat. Flown in the air and fielder drops an easy catch. So with the help of this single won't mind. City Gymkhana 97 for the loss of 6 wickets. This is over number 15 in progress. The 2 batsmen out in the middle is Nisar Ahmed and Nazir Tiger. Nazir Tiger, he's not out on 6 or facing 6 balls. Hit one huge 6 and Nisar Ahmed has yet to open his account. In comes right arm over the stick. Balls, the ball was on the middle and off stump, has been driven nicely, but there is the protection in the long off, deep long off. Meanwhile, batsmen have time to cross over for an easy single. So with the help of the single, now total goes up to 97 for the loss of 6 wickets. This is over number 15 in progress. Adil Ahmed, he has bowled 1.2 overs, conceded only 9 runs at the economy of 6.8 and took the 1 important wicket. Now Nisar Ahmed is not out on 2 and Nazir Tiger, he is not out on 10 or facing 6 balls. Hit a huge 6. But one has to do something extraordinary. That's what their level demands at this stage of the game. They need a miracle.
Sri Gymkhana needs a miracle in order to win this encounter here from the Gani Memorial Cricket Stadium, Srinagar. In comes right arm over the stick. Ball has been driven nicely. We have to wait and watch the umpire signal. The ball crossed all the way aerially. Hussex comes off the blade of Nazir Tiger. This was a, beg your pardon, it was Nisar Ahmed who latches on to it and clears the field. So with the help of this 600 comes up for the Sri Gymkhana, 105 for the loss of 6 wicket. This is over number 15 in progress. Lovely bhai. हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. हालांकि जिस तरह से उनके खिलाड़ी जाने जाते हैं सिटी जिमखाना के, लेकिन आज उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया है, ये मानना पड़ेगा. ये पारी का 15वां ओवर है. कुल मिलाकर 105 रन 6 विकेटों के नुकसान पर सिटी जिमखाना ने आज शुरुआत में एक बड़ी चूक की थी. टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था. अगली बार फिर से इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था रन आउट होने की संभावना, लेकिन ठीक समय पर वो अपनी क्रीज में जाकर सुरक्षित पहुंच चुके हैं. घबराने की वहां कोई बात नहीं है. ये पारी का 15वां ओवर है. कुल कर 105 रन 6 विकेटों के नुकसान पर नजीर अहमद, निसार अहमद और नजीर टाइगर इस समय मैदान के अंदर उपस्थित हैं. अगली बार और द विकेट. इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी रफ्तार के साथ गेंद को उन्होंने खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं. अब आहिस्ता आहिस्ता जो दबाव है वो सिटी जिमखाना के खिलाड़ियों पर निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है. जी हाँ लवली भाई, आज टॉस जीत के जो आमंत्रित किया था फील्डिंग साइड को बल्लेबाजी के लिए वो कार्य साबित नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अगर हम स्कोरबोर्ड की बात करेंगे तो अभी मुश्किल सा लग रहा है उनके लिए. एक बार फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई. एक बार फिर से ये दर्शाता है कि कितने गति है इस गेंद में, कितना मिशन करते हैं. ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद से छेड़खानी करने की कोशिश, संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई. बिल्कुल सही कहा आपने. अब तक जिस तरह की बल्लेबाजी रही ना सिटी जिमखाना की, थोड़ा सा आज उन्होंने निराश किया है. 15 ओवर की समाप्ति के बाद 105 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 30 गेंदों में 85 रनों की जरूरत है, दरकार है इस मैच को जीतने के लिए. निसार बोसु और नजीर टाइगर इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं. हालांकि निसार टाइगर अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं इस मैच को जिताया जाए, लेकिन खासा मुश्किल लग रहा है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं. एक चमत्कार ही बचा सकता है अगर हम स्टी जिमखाना की बात करेंगे. एक चमत्कार अगर होगा इस मैदान पे तो निश्चित रूप से वो मैच जीतने में कामयाब होंगे. जो उनके दर्शक वो खफा है उनसे, क्योंकि आज वो खास प्रदर्शन कर नहीं पाए इस ग्राउंड पे. इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई. किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं. अभी भी 105 विकेटों के नुकसान पे पारी का ये 16वां ओवर चल रहा है, और जो टैलेंटर्स है जो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं मैच को जीतने की. अगली गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंद, चूके विकेट कीपर भी चूके, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. और इस चौके के बाद आसिफ रसूल देखे कितने हताश आए हैं अपने विकेट कीपर से, खासे निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये जो क्रिकेट है ना ये सारा ही मोमेंटम का खेल है. एक बार आपने लय प्राप्त किया ना फिर काम तमाम हो सकता है, इसलिए ये खासे निराश आ रहे हैं अपने विकेट कीपर से. अगली बार फिर से नजीर टाइगर के लिए, इस बार गेंद को निकाला लॉन्ग ऑफ की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है, केवल एक रन बनाने का मौका. एक रन से कुछ होने वाला नहीं है. अगर हम सिटी जिमखाना की बात करेंगे, एक रन से कोई फर्क नहीं पड़ेगी कश्मीर वेव्स की टीम को, क्योंकि यहाँ पे आस्किंग रेट बहुत ज्यादा है. अगली गेंद ऑफ स्टंप पर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक, सीधे खेल बैठे खिलाड़ी जो कि पॉइंट पे तैनात थे, रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त किया. ये पारी का 16वां ओवर है. अब तक कुल मिलाकर उनको 80 रनों की और दरकार है जीतने के लिए. निसार बोसु की गेंद इस बार कट करना चाह रहे थे, संतुलन उतना बढ़िया नहीं था इस बार, लेकिन डॉट गेंदे हुए दबाव जो है वो लगातार उनके ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है. आसिफ रसूल अगली बार से फिर से इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को निकाला डीप स्क्वायर लेग की ओर से, वहाँ आकिब मीर नजर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, केवल एक रन बनाने का मौका. इस गेंद के साथ ओवर की समाप्ति. 16 ओवर की समाप्ति के बाद 111 रन 6 विकेटों के नुकसान पर.
जी हाँ लवली भाई, स्कोर बोर्ड पे 16 ओवर की समाप्ति के बाद 111 नेल्सन मंडेला का जो नंबर है 111 वो है, लेकिन इस समय स्थिति ये है कि सिटी जिमखाना की टीम बड़ी मुश्किल में है। संकट के बादल इस समय मंडरा रहे हैं सिटी जिमखाना के ऊपर। उनको एक मिरेकल ही बचा सकता है, उनको एक चमत्कार ही बचा सकता है अगर उनको इस मैच में जीत हासिल करनी हो तो। फील्ड प्लेसमेंट की बात करेंगे, कैचेस की बात करेंगे, आज कैचेस बहुत छूटे हैं इस मैच में, दोनों साइड से कैचेस छूटे हैं, कैचेस विन मैचेस, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है आज इस फाइनल में। काफ़ी लोग इस मैच को देखने के लिए आए थे, जानते थे कि ये बहुत बड़ा फाइनल है, रोमांच होगा इस फाइनल में, नेल बाइटिंग फिनिश होगा, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। वन साइडेड मुकाबला, एक तरफा मुकाबला आज देखने को मिला है। हालांकि अभी भी मैच में जान है, चमत्कार बचा सकता है सिटी जिमखाना की टीम को। अगली गेंद करने के लिए तैयार, अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ड हो गए, समझ नहीं पाए, गेंद उनके ऑफ स्टंप से टकरा गई, छूती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। एक और झटका आदिल के हित में, ये दूसरे विकेट गिरती हुई, और इस बार डिसार जो है बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद जाकर सीधे विकेटों पे, और ये सातवीं विकेट का पतन, और क्या बढ़िया गेंदबाजी आज रही है कश्मीर वीवर्स के लिए, क्योंकि पहले तो उन्होंने बल्लेबाजी से बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और उसके बाद गेंदबाजी से लाजवाब प्रदर्शन, कहते हैं ना कि जो डिजर्व कर रही थी जीतने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यही टीम इस प्रतियोगिता को जीत पाएगी। लवली भाई, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि टॉस जीत के इतने बड़े फाइनल में आप टॉस जीते हो, आमंत्रित करते हो फील्डिंग टीम को, और फिर आपकी टीम कोलैप्स हो जाती है चेस में। और बिल्कुल सही कहा आपने, और इसलिए कहते हैं ना कि पिच को रीड करना बहुत ज़रूरी, पिच को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज आबिद नबी ने सुबह टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि टॉस जीतकर ही ये सब हुआ है, लेकिन उसके बाद पहले तो गेंदबाजी उनकी बहुत खराब रही है, लेकिन उसके बाद किसी भी बल्लेबाज ने शिविर लेफ्टी को छोड़कर अगर आप देखें, अन्य और कोई भी खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया उनके लिहाज से। आदिल अहमद अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक 15 रन खर्च कर चुके हैं और दो विकेट उनकी झोली में आ चुके हैं। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खेलना चाहते थे पूरी तरह से चुके, गेंद विकेट कीपर से भी रुकी नहीं, जब तक स्लिप खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर पाते दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। इस एक रन के साथ स्कोर 112 सात विकेटों के नुकसान पे। आज टॉस जीत के सिटी जिमखाना ने आमंत्रित किया था कश्मीर वेव्स को बल्लेबाजी के लिए, 179 बोर्ड पे थे, 190 रन का लक्ष्य दिया था टीम को, और उनकी टीम कोलैप्स हो गई। तू चल में आया किसी दिन, यहाँ पे एक बार फिर से शॉर्ट गेंद को टाइम नहीं कर पाए, हवा में गेंद, लेकिन किस्मत वाले रहे कि गेंद नो मैन लैंड में जाके गिरी किसी भी। हालांकि इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपना अपना छोर बदला। इस एक रन के साथ स्कोर 112 सात विकेटों के नुकसान पे। पारी का ये 17वां ओवर चल रहा है। अगर हम फील्डिंग की बात करेंगे तो आज उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं रही है, क्योंकि सर्दी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मौसम कुछ ठंडा था, जिसकी वजह से आज कैचेस नहीं लपके गए। महराज मलिक क्रू प्राइमरी लीग से हमारे साथ जुड़ते और लिख भी रहे हैं कि याद है बिल्कुल महराज, हमें वो प्रतियोगिता याद है जब हमने वहाँ एक इतिहास लिखा था, 10 के से अधिक लोग उस दिन हमारे साथ मोबाइल सेट के जरिए उस मैच को देख रहे हैं। इस बार कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, गेंद की लाइन तक नहीं आए थे डॉट गेंद के साथ, लगभग ये पारी का 17वां ओवर इस समय चल रहा है। 113 रन सात विकेटों के नुकसान पर सिटी जिमखाना की टीम। शाहिद जबार अभी उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला है। इस बीच एक बार फिर से खेलना चाहते थे, गेंद हवा में उसके नीचे, खिलाड़ी देखना है कैच कर पाए या नहीं, उनके सामने गेंद गिरी, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के दो रन पूरे किए। इन दो रनों के साथ स्कोर 114 115 सात विकेट के नुकसान पे। पारी का ये 17वां ओवर चल रहा है, इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। पिछली गेंद पे सारा वजन जो था वो पिछले पैर पे लिया था, अगला पैर हवा में झूलता हुआ घूम के मारना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए थे अपने स्ट्रोक को। एक बार फिर से आ गए, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद जाके उनके पैर से टकराई, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। इसी के साथ 17 ओवर की समाप्ति के बाद 115 सात विकेटों के नुकसान पे। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 115 रन सात विकेटों के नुकसान पर सिटी जिमखाना की टीम। 18 गेंदों में अभी भी 75 रनों की दरकार है उनको मैच जीतने के लिए। वही अगर आप कश्मीर वीवर्स की बात करें
तो उनको जरूरत है तीन विकेट लेने की, वो इस प्रतियोगिता को अपने नाम यहाँ कर सकते हैं। जी हाँ, अभी ये मैच मुश्किल लग रहा है अगर हम सिटी जिमखाना की बात करेंगे। आज निराशाजनक प्रदर्शन किया है इस फाइनल में, टॉस जीता था और उसके बाद आमंत्रित किया है, पसंद किया है चेस करना, लेकिन आज उनकी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई इस चेस में। 190 रन का जो लक्ष्य मिला था उसकी चेस नहीं कर पाई, लुढ़कती हुई पारी नजर आ रही है। 115 पे 7 आउट है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आ गया है, ड्राइव किया, गेंद गई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपना अपना छोर बदला। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 116 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पारी का ये 18वां ओवर चल रहा है। मुज़म्मिल अहमद, जिन्होंने इसे पहले दो ओवर की गेंदबाजी की थी उसमें उन्होंने केवल 13 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण सफलता उनके हाथ लगी थी। एक बार फिर से शाहिद जबार जो कि सामना करेंगे दो के निजी स्कोर पे। लंबे लंबे डक भरते हुए ऑफ स्टंप के बाहर छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। खेलना चाहते थे, बागे ने साथ दिया कि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा नहीं लिया, अन्यथा यहां पे एक और झटका लग सकता था सिटी जिमखाना की टीम को। सिटी जिमखाना 116 7 विकेटों के नुकसान पे। आज उनको जो लक्ष्य मिला था 190 का उसी की चेज कर रही थी। इस बार फुल टॉस गेंद पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए, गेंद गई डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, थोड़ी बहुत मिसफील्डिंग वहां पे, लेकिन लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। एक रन का लाभ मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 117 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पारी का ये 18वां ओवर चल रहा है, अभी भी लंबा सफर तय करना है इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप पे, खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, पैड पे टकराई, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। अभी भी स्कोर टिका हुआ है 117 रन 7 विकेट के नुकसान पे। अगर हम फील्डिंग की बात करेंगे, अभी भी एक स्लिप है, बैकवर्ड पॉइंट है और बाकी दूर दूर फैलाई हुई फील्ड नजर आ रहे हैं। उनका कप्तान जानता है कि वो इस मैच में पकड़ बनाए हुए हैं, लगभग वो इस मैच को जीत चुके हैं। अगर चमत्कार होगा तो उसके बाद ही श्री जिमखाना की टीम मैच जीतने में कामयाब होंगे। फुल टॉस गेंद, उसको बेहतरीन सफाई से खेल दिया है, गेंद जाके दर्शक दीर्घाओं में गिरी, एक और महत्वपूर्ण छक्का। अचानक अपना संतुलन खो बैठे, दिशाहीन गेंद, उसका भरपूर फायदा लिया बल्लेबाज नजीर टाइगर ने, अपने स्कोर में छक्का जड़ा। इन 6 रनों के साथ उनका निजी स्कोर 13 और सिटी जिमखाना की टीम 123 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। एक बार फिर से मुज़म्मिल अहमद जो कि अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं नजीर टाइगर। कुछ साइडस्क्रीन में प्रॉब्लम की वजह से दोबारा उनको अपनी बॉलिंग मार्क की ओर जाना पड़ेगा। मुज़म्मिल अहमद जो कि अपने कोटे का 4वां ओवर कर रहे हैं, लंबे लंबे डक भरते हुए अच्छी गेंद, घूम के मारा, गैप ढूंढने में कामयाब, लेकिन ताकत उतना नहीं था इस स्ट्रोक में। इस बीच चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है सिटी जिमखाना का 124 18 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी शाहिद जबार और नजीर टाइगर दोनों ही बल्लेबाज समय कोशिश तो कर रहे हैं अपने टीम को जीत दिलाने की, लेकिन क्या करें, उनकी आस्किंग रेट इतनी ज्यादा है कि उनके शॉटें भी अब नहीं लग रही है। लवली भाई, और बिल्कुल सही कहा आपने, कहना पड़ेगा कि अब जीत की जो महक है ना वो आने लगी है कश्मीर वीवस को। अब केवल 12 गेंदों का खेल बचा है 67 रन जीतने के लिए, उनको मैच जीतने के लिए बनाने होंगे लगभग 33 रन प्रति ओवर के हिसाब से उनको रन बनाने होंगे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है। इस बार बढ़िया गेंद, नजीर टाइगर उठाकर खेलना चाह रहे थे लेकिन बल्ले और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं। 11 गेंदों में अभी भी 67 रनों की जीत चाहिए। इस समय बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको खाली बल्ला चलाना है, रन बहुत ज्यादा बनाने हैं, 70 रन चाहिए जीत के लिए, केवल 11 गेंदे बचे। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद मारना चाहते थे, पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए उसके नीचे खिलाड़ी और अपना विकेट दे बैठे। 8वां झटका लगता हुआ सिटी जिमखाना की टीम को, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कट करना चाहते थे, पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं, टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को और अपना विकेट दे बैठे। सिटी जिमखाना 124 पे 8, पारी का वे 19वां ओवर चल रहा है। नजीर टाइगर जिनसे क्षमताएं बहुत थी उन्होंने 20 रन अभी तक बनाए हैं, 16 गेंदों का सामना किया है, लेकिन आस्किंग रेट इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है वो धीरे धीरे अब वापस जा रहे हैं।
स्टेडियम अब धीरे धीरे खाली होने लगा है, क्योंकि ये मैच जो है अब लग रहा है कि कश्मीर वेव्स ने अपने झोली में डाल दिया है, अब खाली औपचारिकता है बच्चे इस मैच में। अगली गेंद ऑफ स्टंप पे घूम के मारा, गेंद दर्शक दीर्घाओं में छक्का, और इस बार ये बढ़िया स्ट्रोक, आते सग ही इस तरह का स्ट्रोक खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए उतना आसान नहीं, और दहले पे दहला नो बॉल का भी इशारा, यानी कि फ्री हिट गेंद अब अगली होगी। क्या चमत्कार होगा यहाँ पे, क्या एक ऐसी पारी खेलेगा यहाँ पे शाहिद जबार जो लंबे समय तक याद रहेगी लोगों को, क्या एक ऐसा चमत्कार होगा यहाँ पे जो सिटी जिमखाना को जीत दिलाएगा। एक बार फिर से गेंद वापस आई है क्योंकि बहुत बड़ा छक्का जड़ा था, लेकिन काश ये छक्के कुछ देर पहले आए होते, क्या ये छक्के अगर 4-5 और पहले आते तो गेम की जो सिचुएशन है वो अलग होती। अगली गेंद आ गया है, ड्राइव कर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं और गेंद जा रही थी बाउंड्री। शायद उन्होंने अपना मन अब चेंज कराया, लेकिन मुझे कह रहा जहां तक मेरा मानना है, कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुगी खेत तो अब पछतावे से क्या फायदा, अगली बार और दो विकेट। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक, ऊंचा लॉफ्टेड, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं और देखना पड़ेगा, और एक शानदार कैच लिया गया, ये 9वीं विकेट का पतन होता हुआ। अब यहां पे टेलेंडर्स कर वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आस्किंग रेट बहुत ज्यादा है, लंबे लंबे छक्के लगाने की कोशिश में अपनी विकेटें गंवा रहे हैं। यहाँ पे सिटी जिमखाना 135 9 विकेट के नुकसान पे, आखिरी जोड़ी मैदान पे होगी सिटी जिमखाना की ओर से। आज टॉस जीत के पहले आमंत्रित किया था कश्मीर वेव्स को बल्लेबाजी के लिए, कुछ खास कर नहीं पाए बॉलिंग में। सिटी जिमखाना को पहले ही जो जब स्टार्ट हुआ था इनिंग दूसरी, उसमें दो झटके लगे थे सिटी जिमखाना को, उसके बाद उबर नहीं पाई सिटी जिमखाना की टीम। हालांकि आदिल क्या उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी, लेकिन शबीर लेफ्टी ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, लेकिन उस पारी का कोई फायदा नहीं हुआ, 48 रन बनाए लेकिन उसके बाद विकेट ताश की पत्तू की तरह गिरे। और अभी भी सिटी जिमखाना की स्कोर कार्ड बता रहा है कि बोर्ड पे केवल 135 है और उनके 9 विकेट आउट हो चुके हैं, आखिरी जोड़ी मैदान पे है, लगभग कश्मीर वेव्स ने इस मैच को जीत लिया है। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा मैंने कहा है कि जीत की जो महक है ना वो उनको कुछ देर पहले ही आने लगी थी, और लेकिन क्या शानदार उनका प्रदर्शन रहा कश्मीर वेव्स का, क्योंकि आसान उनके लिए नहीं था, पहला उन्होंने टॉस हारा था, लेकिन आज बल्ले और बैट से दोनों से उन्होंने सराहनीय प्रदर्शन किया। ये एक वजह है कि इस मुकाम पे वो इस समय खड़े हैं। जुनैद अहमद गनाई, क्रू के बारे में कुछ बोलो। बिल्कुल सही कहा आपने, क्रू के बारे में हम क्या ही बोले, वो इस साल का मुझे लग रहा है सबसे लोकप्रिय लीग रहा है, जहाँ पे हमने एक इतिहास भी लिखा था गिनी मेमोरियल स्टेडियम से। हम आप तक ये लाइव प्रसारण ला रहे हैं, ये अंतिम विकेट है। अगर आप सिटी जिमखाना की बात करें, 190 का वो पीछा कर रहे हैं, और इस बार बॉलर उसके सर के ऊपर से दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए ओएस बाबा के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ, और पहले गेंद में भी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आस्किंग रेट बहुत ज्यादा है, काफी रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, खेलना चाहते थे पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए, रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त किया। 139 9 विकेट के नुकसान पे सिटी जिमखाना, 190 रन का लक्ष्य दिया था सिटी जिमखाना को, लेकिन चेस जब करने आए तो उनकी पारी लड़खड़ाई, उनके चोटी के बल्लेबाज जल्दी आउट हुए, कुछ खास नहीं कर पाए। अगर हम शबीर लेफ्टी को छोड़ के किसी भी बल्लेबाज की बात करेंगे तो किसी ने धैर्य से काम नहीं लिया, किसी ने आते ही ज़बरदस्त शॉट खेलने की कोशिश की, अपना विकेट दे बैठे, और यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि सिटी जिमखाना इस समय हार के कगार पे खड़े हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, अब केवल 6 गेंदों का खेल बचा है, 51 रन अब उनको जीतने के लिए बनाने होंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि अब पूरी तरह से दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं जीत के लिए, अब केवल औपचारिकता ये मौजूद है 6 गेंदों की,
ये चले गेंदबाज और दो विकेट। इस बार बढ़िया गेंद थी, लेग स्टंप के आसपास गेंद को निकाला लॉन्ग ओवर की ओर, सीमा रेखा पर वहां गेंद को फील्ड किया जा रहा है, केवल एक रन बनाने का वहां अवसर था दोनों खिलाड़ियों के पास। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 140 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। 5 गेंदों में 50 रनों की दरकार है अगर इस मैच को जीतना होगा। नामुमकिन साइज भी क्लीन बॉल कर दिया और यहाँ पे सिटी जिम कश्मीर वेव्स ने इस मैच को जीत लिया है 50 रनों से। टॉस हारा था, आमंत्रित किया था सिटी जिम खाना ने बल्लेबाजी के लिए, नहीं कर पाई, पूरी टीम 140 पे सिमट गई और अपने जोली में ये क्रिक कनेक्ट सुपर लीग का फाइनल डाला है। और ये लीजिए बधाइयों का सिलसिला अब मैदान के अंदर नजर आ रहा है, खिलाड़ी के चेहरे पे जो प्रतिक्रियाएं जो हंसी वहां नजर आ रही है ना, ये बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने भी जरूर देख रहे होंगे। हालांकि आज सोपोर एक्सप्रेस ओवैस बाबा का कमाल का प्रदर्शन रहा था गेंद के साथ, लेकिन बल्लेबाजी से तो उन्होंने निश्चित तौर पे हमें निराश किया है सभी को। जी हाँ, जो कप्तान थे उन्होंने पिच की बिहेवियर को शायद नहीं जाना था, पता नहीं क्या सोच के उसने आज टॉस जीत के जो पहले फील्डिंग करने का निंदा लिया, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम चेस करेंगे, लेकिन उनकी टीम लड़खड़ाई हुई नजर आई, 140 पे सिमट गई उनकी टीम 19.2 ओवरों में। और बिल्कुल उसी का आपने 140 रन पर पूरी तरह से ढेर हुई है सिटी जिमखाना की टीम, तो लगभग 49 रनों से उन्होंने इस मैच को जीत लिया है। और ये लीजिए प्रेजेंटेशन के समय आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, आपने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया, उसके लिए हम दिल की उम्मीद गहराई से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं, बने रहेगा हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।